अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सारा सुमया, आज की मेरी टॉपिक है कैरेक्टर्स ऑफ मुस्लिम्स इज मेड बाय डीड्स नॉट बाय वर्ड्स। किरदार के गाजी कैसे बने? नहमदु व नसल्लि अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि वो देखना चाहता है कि तुम में बेहतरीन अमल यानी अच्छा अमल कौन करता है। किरदार किसे कहते हैं? इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ही असल किरदार है। अच्छे किरदार वाले इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। अब हम किरदार के बारे में कुरान क्या कहता है वो देखेंगे। अल्लाह ताला सूरह लुक्मान में ये फरमाया कि किसी से मुंह फेर कर बात न करना, ज़मीन पे अकड़ कर न चलना, खुदा किसी खुद पसंद और बड़ाई जताने वाले को पसंद नहीं करता, और अपनी आवाज़ धीमी रखो जब आप बात करते हो क्योंकि सब आवाज़ों में बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ होती है। इसके साथ साथ कुरान में किरदार के बारे में ये भी तालीम दी कि पाकिजगी अख्तियार करो यानी पाक साफ रहना भी किरदार का एक अहम हिस्सा है। हलाल ज़िंदगी जीना यानी हलाल चीज़ें खाना ही नहीं बल्कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हलाल तरीक़ा इख्तियार करना और इसके नरमी के साथ ज़िंदगी गुजारना, मखलूक़ात से मोहब्बत से रवैया इख्तियार करना, वालिदैन के साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना और इसके साथ साथ मेहमान नवाजी भी करना, ये सारे किरदार के बारे में मेजर पॉइंट्स हैं। इसी तरह हदीस की रोशनी में किरदार के बारे में ये भी तालीम दी कि जन्नत में ले जाने वाले अच्छे किरदार और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा याद करने वाले, इसके साथ साथ अल्लाह ताला की मीज़ान यानी तराजू में सबसे ज़्यादा सबसे भारी और वज़नदार चीज़ अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार है। ये दो बुखारी शरीफ की हदीसें हैं। और अब आता है एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह ताला को कैसे लोग पसंद नहीं है? अल्लाह ताला सूरह सफ की दूसरी आयत में ये बताया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम वो बात क्यों कहते हो खुद करते नहीं हो। यह आयत में ये बताया गया कि जो लोग मुसलमानों का किरदार जो है वो कामों से बनता है बातों से नहीं। अल्लाह ताला को कैसे लोग पसंद है? अल्लाह ताला को वो लोग पसंद है जो अल्लाह ताला कुरान में एक आयत में साफ साफ ये बताया कि वमा अहसनु कौलम मिम्मन दा इलल्लाहि व अमिल सालिहन वला वकाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, उस शख्स से बेहतर किसकी बात होती है जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाए, नेक आमाल करे, अच्छा किरदार इख्तियार करे, फिर कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। ऐसे लोग अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला हम सब को अच्छे किरदार और अच्छे अखलाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू एक शेर से ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी सिफत में न नूरी है न नारी। वमा इल्लल बलाग।